करेंगे हम हाथ, तो देखते जाइए किस तरीके से हमें हाथ ड्रॉ करना है, वैसे ही आप करना। इस तरीके से वी शेप में बनाना है आपको। से हम डबल लाइन निकालेंगे, बाकी हम इसे कलर में निकालेंगे। गेट बनाना है, गोल राउंड करना है। इस तरीके से इसको हम थोड़ा शेड में इस तरीके से कलर भी निकालेंगे इसके बाद, ठीक है। येलो कलर लेंगे और हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे पूरे में ही, हमें मिक्स करना है, बहुत ही लाइट कलर करना है। इसमें पानी थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है हमें। इस तरीके से, ठीक है, पूरे में नहीं करना है, ध्यान से देखना बच्चों किस तरीके से करना होगा हमें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हल्का हल्का यहाँ पर, ओके, कलर लेना है। बस मिक्स करते जाना है। और ये देखना है कि हम सिर्फ किस पोर्शन में कर रहे हैं, सिर्फ ये बाहरी जो बैकग्राउंड होता है गेट के, सिर्फ वही करेंगे, वही वाइट कलर। इसके बाद कलर करेंगे, ये हल्का सा हमें ब्राउन कलर लगाना है, बहुत ही कम, ऐसे ही यहाँ से लगाना है। अब हमें जल्दी जल्दी से इसे मिक्स करना है जिससे कि ये कलर बैठ नहीं जाए। इस तरीके से
बहुत ही जल्दी से हमें करना होगा। एक अपने हाथ में कॉटन रखना जिससे कि आप जल्दी से आसानी से फैला पाओ। इसमें कुछ गलत नहीं होता, आसानी से करोगे तो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। हल्का हल्का हमें कलर दिखाना है, हल्का सा हम ग्रे कलर लगाएंगे। यहाँ पे छप्पड़ आएगा ना चाइनीज का, तो इसकी शेडो नज़र आएगी। तो हम पहले ही इसको ले लेंगे, फिर इसके ऊपर ये छान निकल के आ जाएगा। लेना है हमें इस तरीके से, हमें इस छान पे बना लेना है। इसमें भी हमें ब्राउन कलर कर लेना है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा लाइट रखना है, यहाँ पर डार्क। इसके ऊपर अभी हम और कलर करेंगे। हल्का हल्का हमें बहुत ही लाइट कलर, हमें ब्राउन कलर लेना है। सिर्फ हल्का सा ही मिक्स करना होगा हमें। इस तरीके से अब हम इसके ऊपर ब्राउन कलर डार्क लेंगे। कलर लेना है हमें शेड में, इस तरीके से ऊपर की साइड को लेना है। जिस तरीके से छान निकला हुआ होता है ना, इससे सेम वैसे ही छान निकल के आता है। ब्लैक और ब्राउन कलर को दोनों को मिक्स करने के बाद फिर इसके ऊपर एक बार और कोट करेंगे। इस तरीके से लाइन कोई भी खुली नहीं हो।
कलर करना है हमें। हल्का सा बहुत ही कम ब्लैक कलर लिया है, ज़्यादा नहीं लेना हमें, बहुत ही कम लेना है। इस तरीके से दिखाना है, इसमें वाइट कलर हल्का सा ब्राउन लगाने के बाद वाइट कलर। अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो बहुत ही सुंदर निकल के आएगी आपके हाथ। हल्का सा वाइट कलर लगाना, थोड़ा शाइन आ जाता है, ज़्यादा नहीं लगाना।